फेम गेम को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत एक्साइटेड हैं, एक तो हमारी कंपनी का है, धर्मेंद्र का है, माधुरी मैम को बहुत टाइम बाद हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसे अवतार में, उनके साथ एक डांस शो भी जज कर सकता हूँ, तो और सालों से उनका फैन रहा, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उनके लिए भी एक नया फॉर्मेट है, जो ये शोज़ के फॉर्मेट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, नेटफ्लिक्स हैज़ बीन डूइंग वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ और लेट्स सी आज हमें कुछ एपिसोड्स देखने मिले, वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल आई थिंक बहुत परफॉर्मेंस के लिए ये उत्तर आफ्टर आफ्टर किसी परफॉर्मेंस के लिए आप भी बहुत एक्साइटेड हैं कि उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आप बहुत एक्साइटेड आई थिंक एक तो बहुत जो इंटरेस्टिंग था मेरे लिए भी कि उसमें जो जैसा ट्रेलर में दिखाया है कि जो माधुरी मैम जी का कैरेक्टर है वो सडनली डिसअपियर हो जाता है, अपने फेम की बुलंदी पे एकदम गायब हो जाते हैं और फिर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके उन सब शक में आ जाते हैं कि गहराव में आ जाते हैं, तो आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग है जो थ्रिलर एस्पेक्ट है, तो आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड। ऑफकोर्स आज के दिन मुझे वो सब सस्पेंस नहीं पता चलेगा, जब रिलीज होगी तभी पता चलेगा, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड और अच्छा एंसेंबल कास्ट है, बट पर्सन जो मुझे लगता है बहुत अंडरडॉग परफॉर्मर हैं और जो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं वो संजय कपूर जी, लक बाई चांस में उनकी परफॉर्मेंस बहुत इंटरेस्टिंग थी, आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी वो कैसे। एक आखिरी सवाल, एज अ डायरेक्टर आप जिस इंडस्ट्री में हैं, हम जिस इंडस्ट्री में, फेम कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपके? आई थिंक हम में से जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा फेम जरूर चाहते हैं, आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस मायनों में फेम चाहते हैं, आई थिंक अगर हमें हमारे काम के कारण फेम मिले दैट्स व्हाट वी वांट, उसके अलावा अगर हम इनफेमस या फेमस होते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट है। सो आपकी तरफ से कौन सी ऐसी फिल्म आने वाली जो काफ़ी फेम होने वाली होने वाला है? जी मेरी तो फिल्म ऑलरेडी एक्चुअली अनाउंस हो चुकी है, हम लोग बस वेट कर रहे हैं गोविंदा नाम मेरा रिलीज करने के लिए, हम लोग जस्ट वेट कर रहे थे कि थिएटर्स अपनी पूरी बुलंदी पर आ जाए, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, आई थिंक बहुत जल्द हमारा अनाउंसमेंट भी होगा, एंड आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत बहुत चाहता हूँ कि लोग थिएटर्स में वापस आएँ और हमारी फिल्मों को एंजॉय करें, वो गोविंदा नाम मेरा एक ऐसी ही फिल्म है जो थिएटर के लिए बनी है, ऑडियंसेस के लिए बनी है, सो या आई थिंक कुछ महीनों के अंदर अंदर इट शुड डेफिनेटली रिलीज होगी। थैंक यू सर। थोड़ा सर इधर रुकिए ना, थोड़ा ये मोबाइल थोड़ा पीछे ले लो सर, थोड़ा ये साइड है चाहिए ना, ये साइड, हाँ अभी लुक कैमरा फेम गेम एक्चुअली आई थिंक आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज सर सेंटर लोग आई हैव बीन हियरिंग अबाउट द शो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मिस्टर संजय कपूर इज इन इट, माधुरी दीक्षित जी इज इन इट, सो आई नो इट फ्रॉम द टाइम व्हेन द नेम वाज वेरी डिफरेंट, बट आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई थिंक इट विल बी ग्रेट। किसकी परफॉर्मेंस का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं? I think Sanjay Kapoor sir, I haven't seen him in a long time, so that's one, and there's one young actor in it, I forgot his name, but I watched him in Meel Pathar, he's playing one of the sons. Lakshveer sir, I think he's a very good actor and I'm really looking forward to his role. Thank you. सर यहाँ पे सर यहाँ पे संजय सर शो में या सीरीज में या फिल्म में काम करते हो तो पूरी
नजर से करते हो तो एक्साइटमेंट हर शो या फिल्म के लिए होता है. दिस इज स्पेशल आल्सो इट्स गॉट अ ग्रेट कास्ट टू एक्सेलेंट डायरेक्टर्स इन बिजॉय एंड करिश्मा. इट्स ऑन नेटफ्लिक्स एंड द क्रिएटर इज श्रीरा who's done a fantastic job and then is coming on Dramatic so and a great cast so we couldn't have asked for anything better. Aap kuch kehna chahenge audience ke liye jis tarah se pura time change ho gaya theater bhi chalu ho gaya OTT platform bhi itne sare aa gaye so bahut bahut achhi baat hai ki cases pure India mein bahut kam ho gaye hain aur finally theaters phir se khul gaye sabke liye acha hai audience ke liye acha hai hamare liye acha hai so it's a positive sign. Thank you so much. Thank you. And good luck. अरे यहाँ पर सर यहाँ पर सर मेरी तरफ सेंटर फैमिली वर्किंग.